आज यहां से कुछ ही दूर पे लगभग 1 किलोमीटर के लगभग होगा एक आयोजन हुआ भारतीय जनता पार्टी का। स्नेह मिलन पता चला कि उसमें जो नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने लगभग 11 बजे के लगभग शायद उन्होंने पदभार ग्रहण किया और फिर उस समारोह में शामिल हुए। ये बड़ा आश्चर्य हम लोगों के लिए था कि भारतीय जनता पार्टी को ...2019 के बाद ना एक अदद विधायक मिला जो विधायक दल का नेता बन पाया और ना एक अदद संगठन का व्यक्ति मिला जिनको प्रदेश का कमान सौंपा गया, जो खुद को विश्व का सबसे बड़ा पार्टी, बड़ा संगठन, गांव-गांव तक पहुंच की बात, उसको भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आयातित व्यक्ति पर ही निर्भर करना पड़ा। 14 वर्षों के वनवास के बाद, और वनवास क्या, भाजपा के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री को विगत 7 वर्षों से जिन्होंने पानी पी पी के कोसने का काम किया, पूर्व मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर रघुवर दास जी ने बाबूलाल जी को कोढ़ कहा कि झारखंड का कोढ़ है, जिन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने उनको तीसरी दुनिया से उठाकर केंद्र में मंत्री बनाया लेकिन तीसरी गांव में ही उसको वोट नहीं मिलता तो उसको झारखंड में कौन नेता मांगता। वैसे व्यक्ति को आज इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा। हाय रे दिवालियापन भाजपा का। मैंने आज वो स्नेह मिलन ना क्या था, वो कितना स्नेह है लोगों के अंदर, उसमें कुछ बातों पर उनका गौर जब किया तो वो आदिवासी सम्मान की बात बहुत थी, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो अपने बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का सिद्धि की बात वो भूल गए कि आदिवासी के सर पर पेशाब करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी नहीं। उन्होंने बंगाल चुनाव के हिंसा की बात, उन्होंने विगत 2 दिन पहले पटना प्रदर्शन की बात, जहां लोग मिर्ची का पाउडर लेकर पुलिस पर फेंकते हैं और तत्पश्चात लाठी चार्ज होता है, उसकी बात की। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी भोपाल में जाकर एनसीपी के नेशनल करप्ट पार्टी बोलना, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला कहना,
बिना नाम लिए जो उसके मुख्य अभियुक्त थे, उनको ठीक तीसरे ही दिन अपने सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाकर, और जिन घोटालों के बारे में उन्होंने बात की, चाहे वो कोऑपरेटिव घोटाला हो, सिंचाई घोटाला हो, कृषि घोटाला हो, ये तमाम जो विभाग है महाराष्ट्र में, वो आज एनसीपी के पास है, जो टूटे हुए लोग। बाबूलाल जी भूल गए कि मध्य प्रदेश में कैसे चोर दरवाजे से लोग आए थे, कर्नाटका में क्या हुआ था, वो विगत 2014 से 2019 तक विधानसभा के अंदर हाईकोर्ट में जिस दल त्याग को 10वीं अनुसूची के लिए लड़ते थे, वो सारी बातें आज वो बताना भूल गया। नतीजा ये हुआ कि भाजपा के पक्ष में बोलने को उनके पास कुछ रहा नहीं, तो लास्ट पे उतर आए, क्योंकि उनका शायद रेस्टोरेंट होटल से बहुत नजदीकी संबंध है, इसलिए उनको याद आ गया कि सलाद कैसे कैसे उसको गार्निश करके लाया जाता है, उसमें से ना चाहते हुए भी लोग खाते हैं। आलू भुजिया कौन पसंद करता है, आलू टिक्की कौन पसंद करता है, आलू चाट कौन पसंद करता है, सब्जी किसको अच्छा लगता है, यही सब किस्सा कहानी सुना रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि दिल से वो आज भी भाजपा ही नहीं बन पाए। क्योंकि आज जो दिखा, वहां साफ दिखा जो मित्रगण हमारे भाजपा में, हमने उनसे पूछा, भैया आज के दिन का भाजपा का स्थिति क्या है, बोला आज के दिन हम लोगों की स्थिति पांच तरह की है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।